ये क्या था? Yes. अबे लाइट बंद करो रे। दोस्तों आज मेरा बर्थडे है और मेरी बीवी ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए। आई थिंक मुझे मेरा फेवरेट कैमरा गिफ्ट करने वाली है। ओ जी आ जा। बुलावा आ गया, चलते हैं। ओके ये मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे जीजा जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे जी। नाम भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा किसी दूसरे का केक चिपका रहे हो मेरे को। अरे ये तो बस ट्रेलर है, कल आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजा। आओ पास आओ, एक जादू दिखाता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। अरे सुनो तो, ये पकड़ो। थैंक यू। लूज मोशन होगा जी आपको। सेम टू यू। वो तो ठीक है पर गिफ्ट कहाँ है? ओह नो। भागो। ये क्या था? पर असली खेल तो अभी बाकी था। हमारी फैमिली ने पिप्लानिस में हमारे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। दोस्तों लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर घुसते ही मेरे आंखों में पट्टी बांध के मुझे अंधा बना दिया जाता है। अबे क्या यार। अबे तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? कौन है यार ये? अरे सरप्राइज किधर है? आ जा, तेरे को सरप्राइज देते हैं हम। Yes. अबे लाइट बंद करो रे। चलिए इधर बैठिए। हाँ मुझे पता है नीचे गिराओगे तुम लोग। शेयर किधर है? तो हमारी बीवी ने कुछ इस तरह हमारे लिए बर्थडे का आयोजन किया था जिसे देख मैं इमोशनल हो गया। Oh, no! क्या तभी मेरी नजर एक चीज पे पड़ी। अरे इधर आओ, ये दास के आगे का एच कहाँ गया? Oh, no! अरे डार्लिंग ये चेरी निकल ही नहीं रहा। शादी से पहले तो बड़ी हवा कर रहे थे, चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, अब क्या हुआ? अरे यार ये केक तो बच गया, क्या करें इसका? अरे भैया सुनिए ना, इस केक को हमने हाथ भी नहीं लगाया, इसको वापस ले जाके हमको 500 रुपया डिस्काउंट दे दो ना। खाना पीना मजाक मस्ती तो हो गया, अब देखते हैं गिफ्ट्स क्या मिलने वाले हैं मुझे। अरे ये लोग तो अपने में लगे हुए हैं। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, इधर इधर लेफ्ट में, गिफ्ट्स कहाँ है? Hey. ओ सर कहाँ है मेरा गिफ्ट? बच्ची मेरी सो रही है, उसको मैं जगा के आता हूँ 2 मिनट में। हैं? Okay. क्या? अरे उस बच्ची की माँ मैं हूँ, मुझे भी जाना। अरे आती में आती। और भैया आपका गिफ्ट? गाड़ी की डिक्की में, अभी लेके आता। ये क्या बात हुई? Hey. अरे ओ आप दोनों अभी क्या बहाना बनाने वाले हो? अरे मैंने आपको दिया था ना गिफ्ट। अरे वो लगता है गाड़ी में आते वक्त नीचे कहीं गिर गया। अरे एक काम ठीक से नहीं होता, आप चला चलो, कहाँ गिरा है ढूंढ के आते। 2000 years later। अरे भैया वो मेरे दोस्त वगैरह सब कहाँ गए? वो तक आपका चले गए। चले गए? जी हाँ। हद है यार, मुझे बोले गिफ्ट लेके आ रहे, आज घर जाके सबकी खबर लेता हूँ। सिद्धि भैया ये सारे डेकोरेशन और खाने का बिल आपको भरना पड़ेगा। क्या बिल भी नहीं भरा उन लोगों ने? नहीं। कितने खड़ूस लोग हैं यार। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? मैं जोकर दिख रहा क्या आपको? जी हाँ। बस खत्म। आपको क्या लगता है सिद्धिदास इतने में खुश हो जाएगा? नो वे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेट्स गो। अपनी बर्थडे को यादगार बनाने के लिए मैं सुंदरगढ़ में मौजूद इस ओल्ड एज होम में पहुंच गया। बुढ़ापे में जब बच्चों को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, ऐसे में कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको उनके खुद के बच्चों ने उन्हें बोझ समझ के घर से बेघर कर दिया। उन सबको सहारा मिला है इस ओल्ड एज होम में। 2 पल के लिए ही सही, हमने भरपूर कोशिश की इनके मुरझाए चेहरे पे वापस हंसी लाने की। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए। इन सबकी अपनी अपनी एक कहानी है जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इसलिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है ताकि बड़ा होने के बाद बच्चा अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज दे? आज मेरे जन्मदिन में मैं बस ऊपर वाले से इतनी विनती करूंगा कि दुनिया के किसी भी माँ बाप को इस तरह तन्हाई में अपने बच्चों से दूर जिंदगी कभी जीने की जरूरत ही ना पड़े। और आप सबसे बस इतना निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को अपने से दूर करने से पहले 100 बार सोचेगा।